कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव की गहमा गहमी के बीच में राजस्थान के बदलते जो घटना बदले जो घटनाक्रम है वो सभी की नजरों में है, इसको लेकर के जायजा लिया गया है। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर हलचल बढ़ी हुई है। इस वक्त कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनके निवास जनपद पर अशोक गहलोत आए हुए हैं और यहां पर ये हलचल बढ़ी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है राजस्थान को लेकर, उसने बड़े सवाल खड़े किए हैं। सूत्र दावा कर रहे हैं कि अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर, जबकि दिग्विजय सिंह ने नामांकन पत्र ले लिया है, नामांकन पत्र वो भरने वाले हैं 30 सितंबर को, जो कि आखिरी तारीख है, और उससे पहले जिस तरीके से जो घटनाक्रम बदला है राजस्थान को लेकर, उसने आलाकमान के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की है। लिहाजा इस बीच अशोक गहलोत की मुलाकात सोनिया गांधी से हो रही है, जिसमें आगे मंथन किया जाना है, लेकिन सूत्र दावा कर रहे हैं कि मुलाकात राजस्थान को लेकर है, यानी अध्यक्ष पद को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि क्या अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इससे पहले उनके कांग्रेस आलाकमान की स्वाभाविक पसंद अशोक गहलोत थे, लेकिन राजस्थान के घटनाक्रम ने नई चुनौती पेश कर दी है। अब सोनिया गांधी पहले अशोक गहलोत से मुलाकात कर रही हैं, इसके बाद उनके सचिन पायलट से मुलाकात होनी है और ये राजस्थान के घटनाक्रम पर होगी। तो ये जरूर है कि जो अध्यक्ष पद का चुनावी मुकाबला है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं राजस्थान के घटनाक्रम को लेकर भी निगाहें लगी हैं, क्या समझौता फार्मूला निकल कर आता है। इन मुलाकातों के बाद ये तस्वीर साफ हो सकती है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।